ये देखें, ये सुबह सुबह आ गया घर। अब इसने नीचे निकल जाना है और घर में बैठना नहीं, नीचे से होगा तो फिर किसी ना किसी के घर चला जाएगा। चलो शुक्र है आज तो सारे अंदर ही हैं, बाहर कोई निकला हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो यार सुबह सुबह हमारे टिंकू और मिंकू के जगाने की आवाज़ें आ रही थी मुझे। अभी मैं फटाफट इनके ये तरपाल उठा के देखता हूँ क्या सीन है, ये बोल क्यों रहे थे सुबह सुबह आपस में। चलो आओ आ जाओ, इसको मिल को ही नजर आ रहे हैं किधर गए हैं। ये खड़े हैं, ये देखते ना टिंकू तो इधर है और मिंकू ये मेरा प्यार, इन लोगों ने झगड़ा किया। हाँ ये देखें, क्या करूं मैं इनका यार, समझ नहीं आ रही ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। पहले बड़ी मुश्किल से इसकी दोनों आंखें सही हुई थी, खुली थी, और अब दोबारा जो है ना ये देखे, फिर इसकी दोनों आंखें बंद हो गई हैं और अब ये देख भी नहीं सकता। अभी इनको दाना खाना पट्टे वगैरह डाल के तो फिर इसकी आंखों में ड्रॉप डालता हूँ मैं, क्योंकि रोज रोज मैं इसकी आंखों में ड्रॉप डालता हूँ और ये सही होता ही होता है, फिर झगड़ा कर लेते हैं। ये देखे ऐसे काम क्या करे हमारे शायद, रुक जाओ मैं निकालता हूँ बाहर, चले बाहर है। अभी इन लोगों को मैं बाहर ले जाऊँ और इनको पट्टे वगैरह डाल दूँ, उसके बाद फिर अंदर आते हैं, अंदर के मामला देखते हैं सारे, और इसकी आंखों में भी ड्रॉप डालते हैं। अब ये अन्य आवाज इधर उधर जा रहा है, इसको नजर कुछ नहीं आ रहा। चलो खैर अभी मैं पहले इन लोगों को बाहर निकाल दूँ, आराम से खाओ तुम लोगों के पास ही है। दाना मैंने इनको इधर भी डाल दिया और सामने प्लेट के अंदर भी इनको डाल दिया, लेकिन ये उधर से नहीं खा रहे, इधर से खाई जा रहे हैं। ये ब्लैक कलर का और ये ब्लैक कलर का, ये दोनों आपस में झगड़ा करते हैं, इसलिए मैंने इनको सेपरेट इस प्लेट के अंदर डाला था, लेकिन ये जो है ना ये खा नहीं रहा। मेरे ख्याल इसको अभी भूख नहीं है, जब इसको भूख लगेगी तो फिर ये खाएगा। वो देखे ना, ये इससे डर के तो इधर आ गया। अभी इन लोगों को मैं सबको पानी शानी डालता हूँ, आराम से दाना शानी ये खा रहे हैं। और ये हमारे जो है जो चूजे हमें गिफ्ट मिले थे, ये देखे माशाल्लाह ये भी काफी हेल्दी और एक्टिव है, इनको भी मैंने दाना चना डाल दिया और पानी ये गंदा ही पी रहे हैं। पानी वाला बोल इनका मैं निकाल देता हूँ और अभी साफ करके तो फिर मैं इनको डाल दूंगा अंदर। चलो भाई नहीं आना, अभी मैं इनको छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि बिल्ली इधर आती रहती है और बिल्ली नहीं हमारी मलका को खाया था, इधर से लेके गई थी ना तो उसको खा लिया था उसने, तो अभी इसी वजह से मैं इनको छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। तकरीबन महीना दो महीने तो ये बंद ही रहेंगे, जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर इनको बाहर निकालेंगे, या संडे वाले दिन इनको अपनी निगरानी में छोड़ा करेंगे अपने पास ही। चलो अंदर जाओ। अभी वो देखो मैंने दाना शाना तुम लोगों को कितना डाला, अभी इन लोगों का दरवाजा मैं बंद कर देता हूँ ताकि ये आराम से अंदर से दाना शाना खा ले। और हमारा ये जो है माशाल्लाह व्हाइट कलर का पेयर, कल इसकी फीमेल ना बॉक्स के अंदर चली गई तो मैं परेशान हो गया कि यार फीमेल किधर गई है, तो बाद में जब मैंने बॉक्स के अंदर देखा तो ये फीमेल बॉक्स के अंदर बैठी हुई थी। इसका मतलब यही कि ये अनकरीब जो है ना वो बॉक्स के अंदर जाकर तो अंडे वगैरह दे देगी, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन तो खत्म होने वाला है, तो उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जाकर अंडे दे देगी और फिर हमें इनके बच्चे देखने को मिल जाएंगे। तो यार अभी हमारी ये सोनू मोनू के ना वो जो है बच्चे, उनकी आवाजें आ रही हैं, मैं देखता हूँ कितने बच्चे हैं। एक तो ये नजर आ रहा है और दूसरा मेरा ख्याल बड़ा हो गया। हाँ वो देखे, और हमारी डमती ने भी मेरा ख्याल है कोई बच्चा निकाला, क्योंकि वो देखे एक अंडा वो, हाँ इसका भी मेरा ख्याल है कोई बच्चा निकला हुआ है, देखे ना हाँ अंडा टूटा हुआ है वो साइड पे पड़ा हुआ था, इसने भी मेरा ख्याल कोई ना कोई माशाल्लाह बच्चा निकाल लिया, क्योंकि इस पेयर को रखे हुए मुझे तकरीबन एक साल से ऊपर हो गया और इसने कोई अंडा वगैरह नहीं था दिया, इसमें से कोई ना कोई बच्चा भी निकला होगा। चलो माशाल्लाह अच्छी बात है कि बच्चा निकला है, अंडे खराब नहीं हुए इसके, मुझे ये था कि इसने अंडे दिए तो खराब हो गए होंगे, लेकिन ये है कि माशाल्लाह उसमें से अंडे में से बच्चा निकला है। एक अंडा टूटा हुआ तो मैंने खुद देख लिया, अब जब रात को वीडियो बनाऊंगा तो फिर क्लियर मुझे पता चल सकेगा कि उसमें से कितने बच्चे निकले और कितने अंडे बाकी हैं। अभी इन लोगों को भी सबको मैंने दाना शाना डाल दिया, इनको पानी शानी डाल के ना तो मैं अपना टिंकू बदमाश जो है उसको ला के तो इस केज के अंदर छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर वो खुला रहेगा ना तो उसने यहाँ तो रानी के साथ झगड़ा करना शुरू कर देना और यहाँ हमारे मिंकू के साथ झगड़ा करना शुरू कर देना, और हमारा मिंकू जो है ना वो पहले ही बड़ी मुश्किल से उसकी आंखें सही हुई थी, तो आज फिर मैंने देखा कि उसकी आंखों से नजर ही कुछ नहीं उसे आ रहा, अंधा हुआ है बेचारा, पता नहीं किधर गया है वो टिंकू, वो खड़ा है मिंकू किधर गया है, मिंकू नहीं अब नजर आ रहा, पता नहीं किधर चला गया, अपने मिंकू को देखें किधर गया है, इधर भी कहीं नहीं है, किधर गया है मेरा ख्याल है अंदर है।
अंदर किसी कॉर्नर में छुप के बैठा होगा, वो ख्याल है। किधर गया? इधर भी तीन ही है। किधर गया यार? अपने टिंकू को बंद करके ना इधर की सारी सफाई करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं मिंकू को देखूंगा किधर बैठा हुआ। तो मिंकू गायब हो गया यार, कहीं गली में ना गिर गया हो। गली में भी नहीं है। ऐत वाली बात है यार, हमारा मिंकू गुम हो गया। अभी दो मिनट पहले मैंने देखा था इधर ही था, और अब कहीं नजर ही नहीं आ रहा मुझे। उस बेचारे को तो नजर भी कुछ नहीं आता, तो वो किधर जा सकता है? इसके अंदर भी कहीं नहीं है। किधर चला गया? तो क्या हो गया? तुम लोग तो ना झगड़ा करो, पहले मुझे टेंशन पड़ी हुई है हमारे मिंकू की, वो पता नहीं किधर चला गया यार। मतलब फिर गली में देखता हूँ। कहाँ से थे? देखी मुर्गा तो नहीं आया थल्ले? अच्छा, वो मुर्गा नीचे गली में चला गया था। अभी भाई ने उसको ऊपर भेजा, मैं उसको पकड़ के लेके आता हूँ। इसको अभी मैं पकड़ के बंद करूंगा। इधर आओ, इधर चला गया। चलो आओ, इधर चलाओ। तुम इतना बात करोगे, अब इसने पकड़ा नहीं जाना। चलो अंदर चला गया, अब आराम से आ जाएगा। बस 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 बस, कुछ नहीं कहता मैं। सो बादशाह मुर्गा को तो मैं बंद किया था थोड़े दिन पहले, अब इसकी बारी है, इस बदमाश की बारी है। इसको मैं बंद कर दूं, ये तो मारता ही फिरता है। यहाँ तो ये रानी को मारेगा और यहाँ ये हमारे मिंकू को मारेगा, क्योंकि मिंकू के साथ इसकी फाइट चल रही है। और इसकी एक आंख से मेरा ख्याल नजर नहीं सी आ रहा। अब इसकी आंख में ड्रॉप डाल के ना तो इसे बंद कर देते हैं। अब इसकी आंख खुल जाएगी, अंदर छोड़ते हैं और फिर एक दो दिन बाद अपनी रानी को भी इसके साथ छोड़ देंगे। चलो भाई, चलो अंदर, बाबा चलो, चलो अंदर, तुमने बाहर खुलने के लायक हो। चलो आज से तुम इधर ही रहा करोगे और तुम्हें इधर ही मैं दाना शाना डाला करूंगा। अब इन सब लोगों को प्यास लगी है तो मैं फटाफट इनको पानी ला के डाल दूं। इन लोगों को मैंने पानी डाला है, पानी पी के तो इन लोगों ने पानी वाला बोल ही नीचे गिरा दिया है ताकि कोई और ना पी सके पानी। और किसने पीना है पानी? इन लोगों ने पीना है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने पानी गिरा दिया। अभी सबको पानी छाने भी डाल दिया और दाना छाना भी आराम से ये खा पी के तो बैठ गए। अभी हमारा मिंकू देखे किधर है, उसकी आंखों में ड्रॉप डाल दे, उसकी आंखें भी खराब हुई है। वो देखे, वो खड़ा हुआ है। अब इसको पकड़ के लेके आते हैं, डालते हैं और इधर से सारी सफाई भी कर देते हैं हम।